हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विष्णु कुमार है और मैंने सहायक कमांडेंट परीक्षा 2017 में ऑल इंडिया रैंक 57 हासिल किया है और मुझे हाल ही में ये सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB अलॉट हुई है। और दोस्तों, आपके साथ ये स्ट्रेटजी शेयर करने का मेरा विचार एक एक प्रयास है मात्र, क्योंकि तमाम ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस परीक्षा की तैयारी करते हैं और उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तो हो सकता है कि हमारी स्ट्रेटजी और कई मायनों में आपको मदद कर सकती है। हालांकि सबकी अपनी अपनी अलग स्ट्रेटजी होती है, लेकिन फिर भी आपको कुछ हो सकता है, कुछ इससे महत्वपूर्ण चीज़ें मिल सकती हैं। दोस्तों, खासकर ये मेरा प्रयास हिंदी मीडियम के उन विद्यार्थियों के लिए है जो ये सोचते हैं कि हिंदी माध्यम वाले UPSC की कोई परीक्षा पास नहीं कर सकते। खासकर असिस्टेंट कमांडेंट के लिए रहता है कि पेपर 2 नहीं पास होगा हमसे, इस तरह की तमाम बातें होती हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको अपना इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ CAPF के बारे में। मित्रों, जैसा कि मेरे पिताजी एक साधारण किसान हैं और मैं आगरा जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई थी और मेरी जो इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई भी ऐसे सरकारी स्कूलों में हुई है। और उसके बाद जो मैंने ग्रेजुएशन किया है अपना, वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में किया है, वो मैंने करस्पॉन्डेंस से किया है। और मैंने उसके बाद 2016 में मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में कानपुर विश्वविद्यालय से, वो भी मैंने करस्पॉन्डेंस से किया है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो माध्यम रहा है पढ़ाई का, वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में हिंदी ही रहा है। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि सामान्य पृष्ठभूमि से होने के नाते कि मुझे कहीं कोई नौकरी लग जाए, थोड़ा कोई इस तरह का कोई एक वो मिल जाए, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर आगे चल के मैं तैयारी कर सकूँ। क्योंकि ये अक्सर होता है कि कोई भी सामान्य घर से विद्यार्थी होता है तो उसको कई सारे चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, मैंने ट्यूशन्स वगैरह भी करता था और मैं पढ़ाता भी था, साथ में अपनी तैयारी भी कर रहा था। और मित्रों, अभी मैं वर्तमान में जो हमारा एम्स दिल्ली है, इसमें मैं LDC के पद पर कार्यरत हूँ और पिछले एक साल से, और मैं साथ में तैयारी भी कर रहा हूँ। मैंने अपने UPPCS का भी मेंस दिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से मैंने प्रिपरेशन की और तैयारी के बारे में मिथ क्या क्या हैं। तो दोस्तों, UPSC की, खासकर CAPF की, AC की तैयारी के बारे में लोगों का मिथ होता है कि ये परीक्षा सिर्फ सिविल सर्विस के जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं वही क्वालिफाई कर पाते हैं, अन्य कोई नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारे इसमें एस्पिरेंट सिविल्स वाले होते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो ओवरलैप करता है इसलिए। और दूसरी बात कोचिंग्स की है, कई लोग कहते हैं कि कोचिंग ले लो हमारे यहाँ से, ऑनलाइन क्लासेस वाले कहते हैं कि पेन ड्राइव कोर्स ले लो 4,000 का, 5,000 का, इससे आपका हो जाएगा। मैं आपको बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी बताऊँगा कि कोई भी एवरेज विद्यार्थी इस परीक्षा को पास कर सके, क्योंकि मैं भी बहुत ही सामान्य विद्यार्थी रहा हूँ अपनी पढ़ाई में, क्योंकि मेरा अभी कोई, मैं बहुत मेरिटोरियस नहीं रहा कभी, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने बहुत बड़े स्कूलों से कभी, कॉलेजों से पढ़ाई की हो। मैं तो कॉलेज ही नहीं गया कभी, मैंने खुद से तैयारी की अपनी। तो अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। जैसा कि आपको पता है कि हमारी ये जो परीक्षा होती है CAPF की, काफ़ी एक महत्वपूर्ण परीक्षा है और इससे मिलने वाला जो पद है वो अपने आप में विशेष है और आपको एक अच्छी जगह पहुँचा सकता है। मित्रों, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि पैरामिलिट्रीज का मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, उनमें ऐसा नहीं है, कुछ चैलेंजेस हैं। देखो, आपको पता होगा कि चैलेंज हर जगह हैं और हर अपने सर्विस के कुछ प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, उसके कुछ पक्ष और विपक्ष होते हैं, तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे पहले तो ये है कि हम जिस भी फोर्स में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो ये गौरव की बात होती है, क्योंकि वर्दी किसी को ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए आपको फिजिकली मेंटली फिट होना पड़ता है, साथ में एक अच्छी परीक्षा भी पास करनी पड़ती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि इस परीक्षा के 3 चरण होते हैं। पहला एक रिटर्न एग्ज़ाम होता है, इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, और दूसरा आपका जो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, इसमें आपकी दौड़ वगैरह वो सब होते हैं, और मेडिकल होता है साथ में, और अंततः आपका एक साक्षात्कार होता है 150 नंबर का, इसको इंटरव्यू कहते हैं, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो पेपर 1 के लिए है, तो मेरे ऑलरेडी मित्र जैसे कि यदुवीर सिंह रैंक 34 और हिमांशु राठौर, ऑलरेडी वो बता चुके हैं, और बेसिक्स किताबों के बारे में बता चुके हैं, जैसे कि आपको NCERT और जो मेन किताबें हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, भूगोल के लिए आप NCERT पढ़ सकते हो, इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम, ठीक है।
और मैं एक बात विशेष तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी तैयारी करें तो साथ में क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। जैसे आपने आज हिस्ट्री पढ़ा तो आप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री के जरूर लगाएं, ये हो गए पेपर वन के लिए। और बाकी क्या है कि जैसे कि यूपीएससी के अन्य एग्जाम है, जैसे कि आप आईएएस का भी एग्जाम देख सकते हैं प्रीलिम्स का, और आप मान लो कि जो सीडीएस के एग्जाम होते हैं उससे आप जीएस का पैटर्न देख सकते हैं, जो भी इस साल परीक्षा होती है आप उसको देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी चीज़ अगर मैं बताना चाहूँगा कि आपको जैसे कि जो पेपर टू को लेकर बड़ी भ्रांतियाँ रहती हैं खासकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को, क्योंकि आपको पता होगा कि पेपर 2 200 मार्क्स का होता है, और पेपर 2 में आपको जो निबंध वाला भाग होता है उसमें आपको 4 निबंध लिखने होते हैं और 80 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। बाकी 120 मार्क्स का पेपर आपको इंग्लिश में ही सॉल्व करना होता है। तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी चिंतित ना हो, क्योंकि 2016 में जब मैंने परीक्षा लिखी थी तो मैंने इंग्लिश में लिखा था पेपर 2, और मेरा 5 मार्क्स से फिजिकल के लिए मैं क्वालिफाई नहीं हुआ था। लेकिन अगली बार जब मैंने सोचा कि मैं हिंदी में लिखूंगा, क्योंकि मेरा हिंदी में बहुत ही बेहतरीन कमांड है और मुझे ऐसे वगैरह में कई बार पुरस्कार भी मिले हैं संस्थान में, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप अपने आप पर पूरा विश्वास रखें, आप अपनी खुद की तैयारी से अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके लिए आप खुद से दृढ़ निश्चयी बने और मेहनत करें। मैं बताना चाहूँगा कि जो पेपर 2 है उसमें आप हिंदी माध्यम वाले, विशेषता है कि आप निबंध का अपना पोर्शन इतना मजबूत कर लें कि आपको 80 में से 50 नंबर मिल जाए, क्योंकि तो इसमें कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं मतलब लाने पड़ते हैं, और उसके बाद ही आपकी मेरिट बनती है। तो आप निबंध को इतना मजबूत कर लें कि आपको अच्छे मार्क्स मिलें, तो उसके लिए आप क्या करें, मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि निबंध के लिए आप हिंदी में निबंध लिखने की प्रैक्टिस करें, और जैसे कि दृष्टि के कुछ आर्टिकल्स आते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो कोट्स वगैरह हैं, कुछ पोइम्स वगैरह हैं, जैसे गरीबी पर कोट्स हैं और महात्मा गांधी के कुछ कोट्स हैं, मदर टेरेसा के कुछ कोट्स हैं, और पर्यावरण पर कई सारे कोट्स होते हैं, तो आप एक डायरी में करीब 25 से 30 कोट्स याद कर लीजिए, और निबंध में जहाँ पर भी आपको प्रासंगिक हो आप उन कोट्स को लिखें, जिससे आपका निबंध प्रभावी होगा, ठीक है। और आप निरंतर अभ्यास करते रहें। पेपर 2 के लिए ये है कि आप तैयारी के दौरान महीने में करीब 1-2 बार आप पेपर लिख सकते हैं CEPF का, एक निश्चित समय में। जैसे कि आप 3 घंटे का पेपर होता है तो आप 3 घंटे में उस पेपर को लिखें और अपना परफॉर्मेंस देखें कि आप मतलब नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो निबंध पर विशेष ध्यान दें, हिंदी मीडियम वाले खासकर, क्योंकि निबंध आपका स्कोरिंग हो सकता है। और बाकी रही फेवर और अगेंस्ट के जो टॉपिक आते हैं इंग्लिश में, उसमें आपको आप ये कर सकते हो, आप विजन की मैगजीन फॉलो कर सकते हो, विजन आईएएस की मैगजीन आती है इंग्लिश में, उसमें आपको विभिन्न विभिन्न जो भी आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं उसमें आपको वो मुद्दे मिल जाते हैं, तो आप उससे रट सकते हो उन चीज़ों को, ठीक है। बाकी कॉम्प्रिहेंशन में तो आप देख के भी कर सकते हो, अगर नहीं भी आता है तो उसको आप वैसा थोड़ा बहुत उतार सकते हो या कुछ थोड़ा दिमाग लगा के आप आराम से कर सकते हो। और रिपोर्ट राइटिंग बहुत ही आसान सी बात है, क्योंकि आप जब तैयारी करोगे तो आपके पास खुद इतने विचार होंगे कि आप उसको 100-150 शब्दों में बड़ी आसानी से लिख देंगे, ठीक है। और जो मैं दूसरी बात बताना चाहूँगा कि पेपर 2 में 25 मार्क्स की ग्रामर आती है, इंग्लिश ग्रामर, तो उसके लिए आप कैसे तैयारी करें, क्योंकि वो आपको पूरे मार्क्स दिला सकती है। इसके लिए आप SP बख्शी जैसी किताब को पढ़ सकते हैं और उसको अच्छे से रट लीजिए, जैसे कि सिंगुलर प्लूरल हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, सिंपल कैसे बनते हैं, प्रपोजिशंस कैसे भरने हैं, वो सारे सवाल उसमें आ जाते हैं, क्योंकि उसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। कभी इडियम्स आ गया, कभी आपसे प्लूरल बनवा लिया, कभी आपसे वर्ब भरवा ली, इस तरह के सवाल आते हैं, तो आपको उस किताब को पढ़ लेना है, वो आपको आगे भी मदद करेगी, ठीक है। तो यही एक तरीका है, बाकी आप जो स्टैंडर्ड किताबें हैं वो फॉलो करें, ठीक है। और जो आपके जो करंट अफेयर्स हैं उन पर विशेष ध्यान दें। करंट अफेयर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप विजन आईएएस की मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, और क्योंकि इसमें थोड़ा करंट अफेयर्स जो यूपीएससी का जो पैटर्न है उससे थोड़े अलग आते हैं, जैसे कि आईएएस में आता है वैसा नहीं आता इसमें। इसमें जैसे कि जितनी भी आपकी डिफेंस की न्यूज़ होती हैं, कोई भी डिफेंस डेवलपमेंट्स हैं, मिलिट्री या वॉर एक्सरसाइज हैं, वो सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसके अलावा खेलों के बारे में, विंबलडन कहाँ हुआ, कौन जीता, इस तरह की चीज़ें भी आती हैं, किस मूवी को कौन सा अवार्ड मिला, इस तरह के जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान देते रहें, ठीक है। इससे आपकी तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी, और आपको मैं बता दूं कि आगे भी हम आपकी सहायता के लिए वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है, और हमारा प्रयास ये आपको समय समय पर मिलता रहेगा, जिससे कि आपकी कुछ मदद हो सके, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि इंटरव्यू के बारे में लोगों को एक भ्रम रहता है कि इंटरव्यू हम इंग्लिश में दें, हिंदी में दें, मेरे साथ भी था,
और बशर्ते मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू के लिए आप दो चार लोगों का ग्रुप बना लें अपने मित्रों का, और आराम से अपनी तैयारी करें अपनी हॉबीज़ के बारे में, और जो भी आपका डैफ होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर आप जमकर काम करें जैसा कि हम लोगों ने किया था। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा विशेष रूप से, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ये था कि हिंदी और इंग्लिश का लेके क्या मतभेद है यूपीएससी में, तो मैं आपको बता दूँ मेरा इंटरव्यू मिस्टर अरविंद सक्सेना के बोर्ड में था और मुझे 87 मार्क्स मिले हैं, जो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं उस बोर्ड के हिसाब से। और मेरा इंटरव्यू हिंदी में दिया था मैंने पूरा इंटरव्यू, शुरुआत उन्होंने इंग्लिश में की थी, लेकिन मैंने उनसे मैंने अनुमति मांग ली थी, सर मैं हिंदी में देना चाहूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा अपने आप को सहज महसूस करता हूँ। तो वो बड़े आराम से कह देते हैं, हाँ भाई ठीक है, जैसा आपका मन है आप जिस भाषा में मतलब हिंदी में दीजिए, तो आप जिस भाषा में सहज हो, मान लो हिंदी या इंग्लिश, क्योंकि आप दोनों भाषाओं में अमूमन सभी लोग जानते हैं, तो आप आराम से दे सकते हैं। भाषा को लेके बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है इंटरव्यू में, बड़े आराम से इंटरव्यू होता है। और कभी कभी लोग कहते हैं कि बड़ा पजल करते हैं इंटरव्यू में, हाँ थोड़े बहुत सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आप जब तैयारी करेंगे तो बड़ा आसान होगा। और अपने आप पर विश्वास रखिए, और आपके जो रिलायबल सोर्सेस हैं जो मेरे साथियों ने बताए हैं उस पर आप काम करिए, ठीक है। बाकी मिस्टर रवि रूहल जैसे कि हमारे मित्र हैं, और वो आपको समय समय पर निर्देशित करते रहेंगे, और हम लोग को जितनी भी आपकी सार्थक मदद होगी हम बिल्कुल करेंगे, और आगे भी आपको इस तरह के वीडियोज़ हम देते रहेंगे। धन्यवाद।